पाए चिड़ियों जैसा, कुछ देखे कुछ अनदेखे, कुछ जाने कुछ पहचाने, पास आएंगे आएंगे हम आपको और आप हमें जान जाएंगे। नमस्कार, रूबरू में आपका स्वागत है। इस बार हम आपकी मुलाकात एक ऐसी राजनीतिक हस्ती से करा रहे हैं जो कभी पार्लियामेंट की कैंटीन में दूध सप्लाई किया करते थे, लेकिन आज भारत सरकार में हाई प्रोफाइल मिनिस्टर हैं। देश भर के दौरे करने में ये इतने व्यस्त रहते हैं कि विरोधियों के बीच इन्हें हवाई मंत्री के नाम से जाना जाता है। पार्टी में संकट मोचन की भूमिका निभाने वाले ये जनाब कभी कभी खुद प्रधानमंत्री के लिए संकट पैदा कर देते हैं। किसानों की बात हो या आश्रम कश्मीर की समस्या या फिर पार्टी का अंदरूनी संकट, ये हर मामले को सुलझाने की कोशिश में खुद ब खुद लगे रहते हैं। आजकल ये अपने मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर से झगड़े के कारण चर्चित हैं। कहने को तो वह केंद्र में राज्य मंत्री हैं, लेकिन क्राइसिस के समय प्रधानमंत्री की दौड़ में भी शामिल हो जाते हैं। तो आइए मिलते हैं इस नौजवान मंत्री से जिनका नाम है राजेश पायलट। भारतीय वायुसेना के पायलट रह चुके राजेश पायलट आजकल राजनीति में लंबी उड़ाने भर रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी और संजय गांधी की उंगली थामकर राजनीति में आए राजेश पायलट को अपने राजनीतिक आगाओं के खासम खास बने रहने में महारत हासिल है। वैसे तो वे प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य माने जाते हैं, पर उनके राजनीतिक विरोधी उन्हें महज मौका परस्त और अति महत्वाकांक्षी मानते हैं। कैबिनेट के उनके साथियों का कहना है कि वे बहुत जल्द बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं, इस कारण अक्सर लोग उनसे नाराज हो जाते हैं। पायलट चाहे संचार राज्य मंत्री रहे हों या अब गृह राज्य मंत्री, अयोध्या से लेकर झारखंड, उत्तराखंड और कश्मीर तक की समस्याओं को सुलझाने के लिए बराबर उछल कूद करते रहते हैं। किसानों की राजनीति करना उनका प्रिय शगल है, इसलिए किसान राजनीति करने वाले बलराम जाखड़ और अजीत सिंह जैसे नेता उनसे चिढ़े रहते हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत झगड़ालू किस्म के आदमी हैं, राजनीति में आप लोगों से झगड़ा करते हैं। जैसे आपका एसबी चौहान अपने होम मिनिस्टर साहब से झगड़ा, आपका बलराम जाखड़ से झगड़ा, आपका गुलाम नबी आजाद से झगड़ा, आपके माधव सिंधिया से मतभेद, इस तरह से एक लंबी फेरिस्त है। और कश्मीर के जिस गवर्नर को आपने खुद अपॉइंट कराया था उनसे भी आपका झगड़ा हो गया। झगड़ा किसी से भी नहीं है, इनसे पूछ लो जाके अगर ये झगड़ा मानते हो तो। लेकिन कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है जो इनकी बात हो उसे मैं ना सहमत हूँ, या मेरी कोई लाइन हो उससे ये सहमत नहीं हो, ऐसी बात जरूर हो सकती है। लेकिन मेरा इनसे किसी से भी झगड़ा नहीं, बड़े अच्छे संबंध हैं। आपस में जब मिलते हैं तो मुझे तो दिखाते नहीं है कोई झगड़ा है, या तो ये बता दें भाई। चौहान साहब भी जब मिलते हैं हम तो बिल्कुल दोनों भाइयों की तरह बात करते हैं। ये इन सब के नाम जो आपने लिए हैं, हमें तो इन्होंने कभी ऐसे दिखने दिया कोई झगड़े वाली बात है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप लोगों की कलमों में कहीं कहीं झगड़ा ज़रूर नज़र आता है, अखबारों में, किसी मैगज़ीन में, इनसे कोई फ़र्क तो है नहीं। ये ज़रूर कि हम लोगों के कभी कभी किसी खास विषय पे मतभेद ज़रूर कहीं ना कहीं हुए होंगे। कश्मीर पे मेरे गुलाम नबी जी के कहीं मतभेद हुए होंगे, कश्मीर पर इसी तरीके से कृष्णा राव जी के हमारे किसी चीज़ पर मतभेद हुए हों, होम मिनिस्ट्री की फंक्शनिंग में हमारे और चमन साहब के कहीं मतभेद हो सकते हैं। ये नहीं मैं कहता कि मतभेद ना हुए हों, लेकिन हमारे कोई व्यक्तिगत ऐसे झगड़े किसी से नहीं है। खुद को किसानों का रहनुमा बताने वाले राजेश पायलट मंत्रालय से ज्यादा समय जनसभाओं और रैलियों में बिताते हैं। कांग्रेस में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो पायलट से अधिक जनसभाओं में हिस्सा लेता हो। कहते हैं कि आपको दौरे करने का बड़ा शौक है, हवाई जहाज से पूरे देश में घूमने का। अभी कांग्रेस का जब ये कैंपेन चल रहा था तो आप सारे स्टेट्स में पहुंच गए। मैं इसलिए पहुंचा राजीव जी कि AICC ने सब जगह भेजने के लिए कहा, और एक बात हुआ करती कुछ लोगों की ये वृत्ति है, मैं तो करूँ नहीं काम लेकिन दूसरा कर रहा है तो कहो कि तू क्यों कर रहा है। ये हमारा फ़र्ज है कांग्रेस के लिए मदद करना जहाँ कांग्रेस चाहे। और ये ज़रूर मैं भी इस बात को मानता हूँ, मेरी कमज़ोरी है, मैं पायलट रहा हूँ, फ्लाइंग का मुझे शौक़ ज़रूर है, मैं उसे खुलेआम मानने को तैयार हूँ। मतलब हवाई नेता है? हवाई नेता हवाई जहाज़ उड़ने से बनते हों तो मेरे ख्याल 10,000 नेता तो आपके पास होने चाहिए। जितने पायलट हैं सभी को हवाई नेता बना दो तो उससे नेतागिरी का कोई सवाल नहीं। नेतागिरी तो जितनी गांव में,
जो दूसरे गुर्जर नेता हैं सौतार सिंह भड़ाना वगैरह, वो आपके बहुत खिलाफ रहते हैं, वो कहते हैं हम उनको किसान नेता ही नहीं मानते हैं। उसके उन सबके विचार हो सकते हैं, लेकिन ना मैंने किसान नेता बनने की कोशिश की है, ना मैंने किसी कम्युनिटी के बारे में अपना सोचा कि मैं उस कम्युनिटी का नेता बनूं। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, कांग्रेस का जो भी हौदा कांग्रेस ने मुझे दे दिया, सरकार में मंत्री हूँ, कोशिश करता हूँ मैं जितनी मदद मेरे से सबकी हो जाए।